हेलो अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज मोहम्मद आकाश, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट व्हाट इज डेटा सेट एंड हाउ वी आर यूजिंग दिस इन आवर प्रोजेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन स्पेशल पीपल। सो मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे हम अपना ये जो डेटा सेट है हमने कैसे बनाया स्टैटिक एंड साइंस के लिए और डायनेमिक एंड साइंस के लिए, और उसमें क्या थोड़ा डिफरेंस था, ठीक है, और हमें क्या डिफिकल्टीज फेस करने हुई, और इस कोड को भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। सो डेटा सेट का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि डेटा सेट क्या होता है। डेटा सेट क्या होता है कि डेटा सेट जब भी हम कोई मॉडल को ट्रेन करते हैं तो उसको एक इनपुट की जरूरत होती है, यानी कि जब भी कोई मॉडल कुछ चीज़ सीखता है, कोई लर्न करता है, तो उसको किसी खास किस्म के डेटा की जरूरत होती है। तो हमारे मॉडल को जिस किस्म के डेटा की जरूरत थी वो थी इमेजेस की और वीडियोस की। सो इमेज और वीडियोस का जो डाटा सेट होता है वो इस तरह का होता है। कुछ अब मिक्स का फोल्डर है, ये मिक्स में मैंने मतलब ए से लेकर जेड तक अल्फाबेट्स हैं और 10 वर्ड्स हैं, तो इसलिए मैंने इसका नाम मिक्स रखा है। और इस मिक्स के फोल्डर के अंदर हमने नाम रखा है एक फोल्डर का टेस्ट और ट्रेन। अब जो टेस्ट फोल्डर होता है वो टेस्टिंग परपजेस के लिए होता है, और ट्रेन जो होता है वो ट्रेनिंग परपज के लिए होता है। आप मैं ट्रेनिंग का थोड़ा बताता हूँ कि ट्रेनिंग के लिए क्या होता है, इसमें इसकी क्वान्टिटी क्या होनी चाहिए, और टेस्ट का क्या होता है उसकी क्वान्टिटी क्या होनी चाहिए। तो जो हम ट्रेनिंग के लिए कोड यूज़ कर रहे हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा, ट्रेन आप कैसे कर रहे हैं, उसका कैसे कर रहे हैं और उसको यूज़ कैसे कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको डाटा सेट का बता देता हूँ कि डाटा सेट आप कैसे बना रहे हैं। तो डाटा सेट के लिए जहाँ पर टेस्ट और ट्रेन के फोल्डर हो जाएंगे, एक फोल्डर आपका मेन फोल्डर होगा, जिस तरह मिक्स मेरे पास एक फोल्डर है उसके अंदर मैंने 2 सब फोल्डर बना दिए, एक टेस्ट और एक ट्रेन। अब ट्रेन के अंदर क्या होता है कि ट्रेनिंग के अंदर हम सब जितने भी हमारे पास वर्ड्स होते हैं या लेटर्स होते हैं, जो भी हम प्रेडिक्ट करवा के आउटपुट कुछ भी हम सिखा रहे हैं, जो चीज़ हम सिखा रहे हैं उस नाम का यहाँ पे फोल्डर होगा। अब जिस तरह ए से लेकर जेड तक है वो यहाँ पर फोल्डर्स हैं, और 10 वर्ड्स हैं जो कि हम यूज़ कर रहे हैं, अबाउट, एग्री, हैव, हाउ, मेक, नेम, विजिट, बट, व्हेन। सो ये वर्ड्स हैं बट भी, और उसके बाद यहाँ पर ना हम हर फोल्डर के अंदर इनपुट अंदर होते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर इस तरह करके इमेजेस पड़ी हुई है। अब ये इमेजेस हमारे पास, ये डाटा सेट है। अब ये ना उस तरह का डाटा सेट नहीं है जिस तरह के नॉर्मली डाटा सेट होता है, ये हमारी लॉजिक के मुताबिक, हमारे प्रोग्राम के मुताबिक ये डाटा सेट क्रिएट किया गया है। अब इस डाटा सेट के अंदर ये चीज़ हो रही है कि ये एक वाइट इमेज के ऊपर हमने ये हमारा ये थंब है, और ये इंडेक्स फिंगर कर लो, ये इस तरह, ये मिडिल फिंगर और ये रिंग और ये स्मॉल फिंगर, और ये हमारा हैंड है, और ये राइट हैंड जो है व्हाइट इमेज के ऊपर इसके लैंडमार्क्स ड्रा हुए हैं। आपको थोड़ा बहुत लग भी रहा होगा कि ये हैंड जैसे दिख रहा है, तो ये इस तरह करके इसकी ये सारी इमेजेस हैं। सो हमने इसकी इमेजेस तकरीबन 500, मिनिमम 500 के आसपास हमने कोशिश की कि इमेजेस को हम क्रिएट करें। सो इसी तरीके से हमने ये अबाउट के लिए भी सारी जो इमेजेस हैं वो क्रिएट किए हैं। तो इस तरह ही ना हमने ये सारे वर्ड्स के लिए जितने भी हमारी इन सब हर एक जो हमारे पास फोल्डर होता है इसको हम क्लास भी कहते हैं, और वर्ड यानी कि जो भी उसकी प्रिडिक्शन आने वाली है, आउटपुट कह सकते हो, वो ये चीज़ होती है। सो ये हमारे पास क्लासेस है सारी। तो हमारे पास 36 क्लासेस हैं यहाँ पर स्टैटिक एंड साइन गैसेस के लिए, और यहीं पर ट्रेन पे भी हमारे पास सेम यही चीज़ होता है, सॉरी, टेस्ट के लिए भी हमारे पास यही चीज़ होती है, लेकिन टेस्ट में हम क्वान्टिटी थोड़ी कम कर देते हैं। जिस तरह कि अब यहाँ पे 142 इमेजेस आपको नजर आएंगी, तो हमने तकरीबन 100 के आसपास यहाँ पे इमेजेस कर दिया। वहाँ पे हमने ट्रेन के लिए ज़्यादा डाटा चाहिए होता है, क्योंकि हम जब चीज़ किसी को सिखा रहे हैं तो वहाँ पर हम उसको ज़्यादा इनपुट देंगे तो ज़्यादा एक्सपीरियंस करके उस चीज़ को लर्न करेगा, अच्छे से लर्न करेगा, और जितना ज़्यादा डाटा सेट होगा उतना अच्छा लर्न करेगा, और उसके बाद आपको अच्छी प्रिडिक्शन देगा, अच्छी आपको रिजल्ट देगा, अच्छी एक्यूरेसी देगा। सो इसलिए ट्रेनिंग का डाटा ज़्यादा होना चाहिए। टेस्ट जो होता है वो सिंपल ऐसे ही सैंपल्स होते हैं, वो सैंपल्स जब वो उसको इनपुट लेता है, जब हम ट्रेन करके डॉट ऑफ मॉडल क्रिएट कर देते हैं तो उस टाइम हम टेस्टिंग के लिए भी उसको कुछ डाटा देते हैं कि ये एज अ इनपुट आप लें और हमें प्रिडिक्शन करके दें, रिजल्ट्स इसके बताएं क्या क्या है। तो ऑलमोस्ट अगर वो उसके सही रिजल्ट्स देता है तो आपको पता चल जाता है किसकी एक्यूरेसी, और उसी टाइम पे वो बता देता है उस टेस्टिंग के ऊपर किसकी एक्यूरेसी कितनी है, इस मॉडल की एक्यूरेसी कितनी है, कितने परसेंट है। सो हमारा जो मॉडल था इसके लिए उसके हमारे मैं कह सकता हूँ कि 84 to 85% हमारी एक्यूरेसी होगी स्टैटिक एंड साइन गैसेस की, और इसी तरह डायनेमिक की जो थी वो भी इसी तरह ही 85-86 के आसपास होगी। सो ये हमारे पास डाटा सेट आ गया मिक्स के लिए। सो ये मैंने आपको इसका बता दिया। अब मैं इसका ना आपको कोड का बता देता हूँ थोड़ा, जहाँ पे हमने सेम थोड़ा बहुत इम्पोर्ट्स वगैरह कर ली, CV2, मीडिया पाइप और ये
एपीआई के थ्रू, ये भी मैंने एपीआई के थ्रू किया है, क्योंकि मैं जब प्रिडिक्शन करवाता हूँ तो मैं अपने अपने क्लाइंट साइड से, अपने फोन एप्लीकेशन से, मैं वहाँ से उसको रिक्वेस्ट कर रहा, वहाँ से वीडियो रिकॉर्ड होती है, वहाँ से वो कैमरा यूज होता है, तो मैं जब डाटा सेट बना रहा हूँ तो मैं उसी कैमरे को यूज कर रहा हूँ ताकि मेरे पास सब कुछ अच्छे से हो जाए। सो इस जगह पर क्या किया, सो एमपी ड्रॉ अगेन फॉर ड्राइंग पर्पस और हैंड्स फॉर हैंड पर्पस एंड ड्राइंग स्टाइल्स फॉर स्टाइल्स के लिए, लाइंस के कलर्स के लिए। सो एप ब्लास्ट जो है, ब्लास्ट के सिंटेक्स, और उसके बाद हमारे पास डिटेक्ट के नाम से मैंने इसका नाम रख दिया, यानी कि जब वहाँ से रिक्वेस्ट आएगी आईपी स्लैश डिटेक्ट लिखा होगा, जो आईपी होगा उसका स्लैश होगा और डिटेक्ट होगा तो ये यूआरएल इस पे आ जाएगा, और पोस्ट का मेथड होगा तो इस जगह तक आ जाएगा जब ये एपीआई रन होगी, रनिंग फॉर्म होगी तब यहाँ पर रिक्वेस्ट रिसीव हो जाएगी। सो यहाँ पर हमने क्या किया, फाइल उसी तरीके से हमने रिसीव की, रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स करके वीडियो। अब वहाँ से जो वीडियो आ रही है वो हमारे पास वीडियो, हमारे पास उसकी की होगी, और उसकी जो की वीडियो के नाम से है तो वो हम यहाँ पर हमारे पास फाइल में आ जाएगी, और फाइल नेम, ऐप नेम में हमारे पास नेम आ गया, इसी तरह हमने प्रिंट करा के चेक करवा दिया, और फाइल डॉट सेव से हमने उस वीडियोस के फोल्डर के अंदर ही उस फाइल को सेव करवा दिया, उनके इस फोल्डर के अंदर हमने उसको सेव करवा दिया वीडियो को। उसके बाद हमारे पास आई कॉल जीरो किया और उसको कैप्चर करके वही हमने पाथ दे दिया गया, कि वो जो वीडियो आई है इस वीडियोस के फोल्डर के अंदर वो एज अ CV2 वीडियो के अंदर इंपोर्ट चली जाए। अब यहाँ पे हमने एमपी ड्रॉज उसी तरह सेम मिनिमम डिटेक्शन कॉन्फिडेंस और ट्रैकिंग कॉन्फिडेंस दे दिया एज एंड, उसके बाद हमने एक इनफिनिट लूप चलाया। इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास राइट इमेज वीडियो डॉट रीड किया, इसमें हमने वो जो वीडियो होगी उसका एक एक फ्रेम लेगा, इमेज के अंदर स्टोर होगा, और अगर ट्रू और फॉल्स जो होगा इसमें रेट में स्टोर होगा, आया तो फ्रेम आया नहीं आया, अगर वो वीडियो इमेज फ्रेम जो है वो एंट्री नहीं होगा तो इसी तरह वो RGB to BGR में ओपन होगा। इसमें हमने इसकी साइज जो दे दिया वो हमने 540x960 दिया हुआ है वैसे, लेकिन जो ये जो है ये असल में इसको मैंने चेंज करना था कोड को, सो यहाँ पर ना 400 और 700 ही आएगा, जो कि आपका मॉडल ट्रेनिंग के टाइम पे जो आपने डेटा सेट किया, ये टेस्टिंग पर्पस का कोड है, तो इसलिए मैं आपको इसी में चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसी में चेंजेस करके मैं आगे काम करता था। सो आगे मैं आपको बताता हूँ, अगर वो इमेज एम्प्टी होगी यानी कि नन होगी तो वो क्या करेगा, ब्रेक कर देगा, इस रूप से बाहर आ जाएगा। उसके बाद रिजल्ट क्या करेगा, हैंड्स ऑन प्रोसेस इमेज, वो इमेज इनपुट मिलेगी और उसके ऊपर हैंड्स वो रिजल्ट में स्टोर कर लेगा, जो उसको ड्रॉ करके डिटेक्ट करके रिजल्ट में स्टोर करेगा। अब हम रिजल्ट को अभी यूज करेंगे, सो एस मैंने वाइट इमेज फिर से ले ली, अब ये मैंने 500 के लिए कर रहा था तो इसलिए वो, अगर आप 500 के लिए करते हैं तो 500 आप साइज चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो यहाँ पे आप साइज अपना दे सकते हैं जिस हिसाब से आप ट्रेन करना चाहते हैं, जिस डिवाइस के लिए आप स्पेशली बनाना चाह रहे हैं, तो मैंने मोबाइल फोन के लिए किया था, इसलिए मोबाइल फोन एप्लीकेशन के लिए किया था, तो वो 400 वेट और 700 आई थी, तो वाइट इमेज भी मुझे कौन सी यूज करनी होगी, 400 और 700 वाली, तो उसका पाथ यहाँ पे दे दूंगा। तो उसके बाद मैंने इफ रिजल्ट से मल्टी एंड लैंडमार्क, जब उसको डिटेक्ट होगा तो वो इस लूप के अंदर आएगा और यहाँ पर वो इमेज के ऊपर लैंडमार्क को ड्रॉ कर देगा, ड्रॉ लैंडमार्क, और इसी तरह एस के ऊपर वाइट इमेज के ऊपर भी मैं ड्रॉ करा रहा हूँ, और CV2 dot IM राइट करके हम उस इमेज को क्या कर रहे हैं, सेव करा रहे हैं। उस इमेज को कहाँ पर सेव करा रहे हैं, इस लोकेशन पर, यानी कि यहाँ पर मैं लोकेशन अगर चेंज करना तो यहाँ पर कुछ और चीज़ भी लिख सकता हूँ, तो ये फिलहाल आई जो है वो हमारे पास 0 होगा, तो 0.jpg के नाम से यहाँ पे इसी फोल्डर के अंदर स्टोर हो जाएगी इमेज एस वाली, यानी कि जिसके ऊपर लैंडमार्क ड्रा होगा, और I+1 कर रहा हूँ ताकि वो I+1 कर रहा हूँ ताकि वो नेक्स्ट टाइम जाए वो 1 हो 2 हो 3 हो, तो इस तरह वो करके इमेजेस यहाँ पे मेरे पास सारी आ जाएंगी, और उन इमेजेस को मैं फिर वो जो भी मेरे पास सारी इमेजेस होंगी वो मेरा डाटा सेट होगा उन इमेजेस को, यानी कि मैं अब सबसे पहले अगर ए के लिए बनाना चाह रहा हूँ तो मैं सबसे पहले जब वीडियो अपने फ़ोन से बनाऊंगा वो मतलब ए का साइन बनाऊंगा, और ए के साइन की जो वीडियो यहाँ पर आएगी उसके फ्रेम बाय फ्रेम वो क्या करेगा, उसकी सारी इमेजेस बना देगा और वो इमेजेस यहाँ पे मुझे शो कर देगा, यहाँ पे मैं उस वीडियो को चला रहा हूँ जिसमें वो इमेज स्टोर हो रही है, और बस उसके बाद क्यू का सेम वही चीज़ है, अगर आपको वीडियो करने लगे या कुछ भी तो स्टॉप करना चाहते हैं, क्यू का स्मॉल क्यू प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगी वीडियो डॉट रिलीज सीवी डॉट, और रिटर्न में क्या करूँ, इमेज सेव सक्सेसफुली का मैसेज जो है वो यहाँ से API के थ्रू
रिटर्न हो जाएगा, मेरी ऐप में शो हो जाएगा। ये भी मैं आपको ऐप वाली साइड भी दिखाऊंगा, फिलहाल मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। और आपने जिस आईपी पे रन करनी है आपको, तो यहाँ पे आईपी आप लिख देंगे, यानी कि आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इफ कॉन्फिग लिखेंगे तो आपको शो हो जाएगा कि आपका आईपी क्या आ रहा है। ये था इसके लिए डाटा सेट जो स्टैटिक हैंड साइंस गेस्टर्स के लिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये स्टैटिक हैंड साइंस गेस्टर टेस्ट और ट्रेन के अंदर मैंने एक एक के लिए सेम यही काम किया, मतलब एक एक फोल्डर के लिए सारी। अब ये देखें, जीरो से लेकर सेम उसी तरीके से मैंने इस फोल्डर के अंदर जाकर डायरेक्टली इसको पा दे दिया, और यहाँ पे जाकर सारी इमेजेस स्टोर हो गया। अब यहाँ पे आके आप डाटा सेट की इसको चेक भी कर सकते हैं कि आया कि डाटा सेट फिर सही से क्रिएट हुआ है या कोई इमेज गलत आई है, तो उसको डिलीट कर दें। सीक्वेंस मैटर नहीं करता, बस ये है कि आपकी इमेजेस होनी चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे जो नाम होगा वो लाजमी सही होना चाहिए। तो बाकी ये हो गया स्टैटिक के लिए। और डायनामिक के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये डायनामिक डाटा सेट है। डायनामिक डाटा सेट में हमने ये 5 सेंटेंसेस यूज किए, जिसमें कुछ वर्ड्स हैं और कुछ सेंटेंसेस हैं, मोस्टली हमने सेंटेंसेस, यानी कि ये डायनामिक हैंड सेंटेंसेस वो होते हैं जिनके जिसमें हम मूवमेंट है और पूरी वीडियो एज इनपुट जा रही है। असल में स्टैटिक भी वीडियो आ रही है, लेकिन हम उसको उस वीडियो को हम ब्रेक करके हम फ्रेम्स को यूज करके आगे स्टैटिक में हम आगे यूज कर रहे हैं। और जो यहाँ पे वीडियो होती है, हम वीडियो को ब्रेक करके हम एक और वीडियो जनरेट करते हैं, और उस वीडियो को हम आगे यूज करते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेंडो के फोल्डर के अंदर, यहाँ पे टेस्ट और ट्रेन आपको ऐसा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि वो इसी के नाम में यहाँ पे वीडियोज डाली, ये 10 वीडियोज हैं। अब यहाँ पे ये वीडियो मैं आपको चला के दिखा देता हूँ, ये वीडियो ये ऐसे है। ये हेलो का साइन इस तरह करके, सिर्फ इसने एक हैंड रखा और उस हैंड को मूव होते हुए दिखा रहा है, और उसके लैंडमार्क्स को वाइट इमेज को। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स अगर डाटा होगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो हमने उसके लिए बहुत ही मिनिमाइज कर दिया हमने डाटा को, ताकि वो इजीली इस चीज़ को सीख सके। और जब हम इसको इनपुट देते हैं, तो इनपुट भी वो इसी फॉर्म में होती है जिस तरह का डाटा सेट होता है। अब आई एम फाइन के लिए साइन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने वीडियो बनाई है काफ़ी सारी। तो ये आई एम फाइन, सो ये साइन है आई एम फाइन का। इस तरह करके हमने 10 10 वीडियोस किए हैं। इसके अंदर जो इसका कोड मैं आपको दूंगा डायनामिक के लिए, ये क्या करता है, ये इसमें 75% जो होता है इस वीडियो का कोड, यानी कि वो 7 वीडियोस जो होगा वो एज अ ट्रेन यूज कर लेगा, और जो बाकी 3 वीडियोस रह जाएंगी वो एज अ टेस्टिंग के लिए यूज कर लेगा। इस तरह करके वो इसको डिवाइड कर लेता है और आगे यूज कर लेता है। तो या ये डायनामिक डाटा सेट है। इसका भी मैं आपको कोड का थोड़ा बहुत बता देते हैं कि इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा। अब डायनामिक डाटा सेट बनाने के लिए आपको करना है क्रिएट हैंड लैंडमार्क्स इमेजेस विद फोन्स कैमरा, यानी कि आपके जो ऐप का कैमरा होगा वो आप जब यहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप इसको यूज करके कर सकते हैं। सेम ये तकरीबन मोस्टली सेम वही चीज़ें हैं जो आप देख चुके हैं मेरे पिछले कोड में, अभी भी मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया इस चीज़ के बारे में। ये सारी चीज़ें मैं जो चीज़ें चेंज होंगी वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इसमें ये वही है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि वही इमेजेस जो मैं अभी आपको कोड बताया, तकरीबन ये वही सेम कोड है जिसमें इमेजेस जो जनरेट होंगी वो सेव हो रही है। और वो इमेजेस ये यहाँ पर आपको देखते हैं, ये डाटा सेट रिसेंट के अंदर मैं फोल्डर के अंदर मैं उसको सेव करवा रहा हूँ उन इमेजेस को जिसपे लैंडमार्क्स ड्रा हो रहा है। ये चीज़ जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, सेम आपको फर्स्ट स्टेप स्टैटिक के लिए जो आप ले रहे हैं वही डायनामिक का फर्स्ट स्टेप सेम है, लेकिन जब वो इमेजेस ड्रॉ हो जाएंगी, मिसाल के तौर पे आपको मैं स्टैटिक की एक चीज़ दिखा देता हूँ, इसमें यहाँ पे मैं आपको सी है आपको थोड़ा चेंज से सेम दिखा देता हूँ जो कट है। ये देखें, अब मैं इसको प्ले अगर करूँ तो ये थोड़ी मूवमेंट आपको दिख रही होगी, यानी कि ये भी एक कलेक्शन ऑफ फ्रेम्स बन गए और इस तरह करके एक वीडियो बन गई। मुझे क्या करना है, इस तरह करके एक वीडियो बनानी है। इसी सारी इमेजेस की मैं अगर एक वीडियो बनाना चाहूँ तो मैं इस कोड को यूज करूंगा जो मेरे पास यहाँ पर ओपन है, ये क्रिएट वीडियो विद इमेजेस। और मुझे क्या करना है, यहाँ पर CV2 इम्पोर्ट कर लिया, NumPy मुझे चाहिए यहाँ पे, और ग्लोब चाहिए। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, फ्रेम साइज बता दिया मैंने 400 और 700 जो आपका साइज होगा इमेजेस का, तो आपने यहाँ बता देना है। क्लास नेम आपने बता देना है यहाँ पर, वेयर आर यू फ्रॉम, जैसे कि मेरे पास लास्ट टाइम मैंने जो किया था वो वेयर आर यू फ्रॉम था। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं जिस तरह आपका फोल्डर का नाम, यानी कि जितनी भी सारी इमेजेस होंगी वो किसी एक क्लास नेम के लिए होगी ना,
या किसी एक वर्ड के लिए होगी तो वो आपने यहाँ पे लिख देना। और उसके बाद आपने यहाँ पे फोल्डर का नाम बता देना, यानी कि फोल्डर का नाम यहाँ पे मैंने V10 लिखा हुआ है, तो मैंने उस वर्जन यानी कि वीडियो 10 था इसलिए, तो आप जो उस फोल्डर का नाम होगा जिसमें वो सारी इमेजेस होंगी वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद नंबर ऑफ पिक्स आपको बता देनी है, नंबर ऑफ पिक्स बताना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको यहाँ से देखना है इधर जाना है यहाँ पे 459 जिस तरह इसका लिखा हुआ है, फोल्डर का नाम बट लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से जाके इसका बट यहाँ पे लिख देंगे फोल्डर का नाम, और यहाँ पर आप उसकी इमेजेस का नंबर बता देंगे 459 यहाँ पे लिखेंगे। सो आउट जो है ये क्या करता है, वही वीडियो राइट करता है, वीडियो क्रिएट करता है, तो इसी तरह मैंने यहाँ पे उसका पहले पाथ बता दिया। अब ये पाथ जो है ये मेरे हिसाब से सेट हुआ है, आप अपने हिसाब से सेट करेंगे यहाँ तक। सो यहाँ पे आपको फोल्डर नेम का आप वेरिएबल वैसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे फोल्डर नेम आपने दिया हुआ है V10, तो यहाँ पे लिखा होगा V10.mp4 के नाम से बन जाएगा। और क्लास नेम जो है वो भी उस फोल्डर का नाम जो था वो वेयर आर यू फ्रॉम, उस फोल्डर वो क्रिएट हो जाएगा जब बना हुआ हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। और डायनामिक डेटा सेट ये वगैरह आपको फोल्डर पीछे का पाथ देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। सो उसके बाद आपको उसका फॉर्मेट वगैरह बता देना है, और उसके आगे FPS बता देना है 30 जिस तरह यहाँ पे मेंशन है, और फ्रेम साइज जो है वो यही है हाइट और विड्थ बिट प्राइस। सो आई फॉर आई इन रेंज ओ मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और उसके अंदर नंबर ऑफ पिक्स और वन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पर फाइल नेम जो था उसको मैंने यहाँ पे फाइल नेम फेच किया सबसे पहले पूरी वीडियो। अब जो मेरे पास वीडियो थी उसका मैंने 0 मिसाल के तौर पे यहाँ पे थी, तो 0 का फाइल नेम में क्या गया 0.jpg, यानी कि पूरा पाथ आ गया जितना भी ये था, ये स्ट्रिंग है फाइल नेम, सो पूरा मेरे पास पाथ आ गया उस चीज़ का, मेरे पास पूरी इमेज का। सो उसके बाद मैंने क्या किया, उस इमेज को मैंने क्या किया, अब जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो भी कलेक्शन ऑफ इमेजेस है ना, तो ये लूप जो है ये 0 से स्टार्ट होगा और नंबर ऑफ पिक्स तक जाएगा, और इसमें इंक्रीमेंट कितने का है 1 का, तो ये मैंने लूप एक लगाया। तो इसके अंदर फिर हमने क्या किया कि फाइल नेम के अंदर हमने पाथ स्टोर कर लिया उस इमेज का, जितनी भी इमेजेस, यानी कि आप यहाँ पे इमेजेस इसी तरीके से है ना, यानी कि 0, 1, 2 अगर वो सीक्वेंस में है तो सीक्वेंस में यहाँ पे जब भी i+1 होगा, तो i जब भी प्लस होगा तो यहाँ पे हमारे पास ये चेंज हो जाएगा। और इमेज के अंदर क्या चीज़ आ जाएगी, cv2.imread फाइल नेम, वो उस इमेज को रीड करके इमेज में स्टोर करेगा, और out.write क्या करेगा, उस फ्रेम को उस इमेज को उस वीडियो के अंदर ऐड कर देगा, और इसी तरह वो ऐड करते करते उस सारी इमेजेस की क्या बन जाएगी, एक वीडियो बन जाएगी। और आउट डॉट रिलीज एंड में कर दूंगा तो वो मेरे पास जो वीडियो होगी वो इधर इस जगह पे सेव होगी, वीडियो राइटर पे जो पाथ आपने दिया था इस जगह पे वीडियो सेव होगी, और वो कंप्लीट वीडियो होगी, एक वीडियो आपकी क्रिएट हो जाएगी। यानी कि जिस तरह मैं आपको बता देता हूँ डायनामिक डेटा सेट में ये आने पाए V1, अब जिस तरह ये वीडियो है ये वीडियो क्रिएट होकर शो हो गया। अब ये किस तरह हुई है, ये एक V1 का फोल्डर था उसके अंदर सारी इमेजेस थी इस साइन की, और उनको मैंने इस तरह करके पा दिया और ये चीज़ क्रिएट हो गई। अब इसी तरह करके मैंने ये सारी वीडियोस क्रिएट की, तो ये चीज़ें यहाँ पर क्रिएट हो गई। सो मे बी इसका कोई शॉर्टकट मेथड होगा इससे भी ज़्यादा, पर मैंने ज़्यादा मशक्कत नहीं की, इसी कोड को यूज़ किया। सो आप भी अगर करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो आप इसे बेटर वे कोई ढूंढ के कर लें। सो ये चीज़ थी डाटा सेट का किस तरह मैंने बनाया, और ये आज की वीडियो में मैंने आपको, उम्मीद आपको समझ आ गई होगी कि आप कैसे डाटा सेट बना सकते हैं, और डाटा सेट क्या होता है, और हमने कैसे डाटा सेट क्रिएट किया। सो डाटा सेट ये चीज़ बन गई। अब मैं आपको आगे अगली वीडियोज में बता दूंगा कि कैसे आप इसको मॉडल को इस डाटा सेट के थ्रू आप कैसे इसको ट्रेन करेंगे मॉडल को, और ट्रेन करने के बाद हमने प्रिडिक्शन का कोड ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में, सो प्रिडिक्ट कैसे करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर योर टाइम।